ये एक पर्टिकुलर टाइप है, ठीक है, कुछ ना कुछ सब्सटीट्यूशन करने के बाद ये वन बाय क्वाड्रेटिक या वन बाय अंडर रूट ऑफ क्वाड्रेटिक या वन लीनियर बाय क्वाड्रेटिक वगैरह जो अपनी स्टैंडर्ड टाइप है उसमें कन्वर्ट होगा। अब क्या टाइप क्या है ये, ठीक है, कि डीएक्स के साथ टाइप नहीं है, स्पेशल केस है एक टाइप का, उसी टाइप का मतलब स्पेशल केसेस है, ठीक है, जो कन्वर्ट हो जाता है उसके अंदर कन्वर्टेबल टू, ठीक है। तो क्या केस है कि डीएक्स के साथ साइन प्लस माइनस कोस होगा, प्लस माइनस कुछ भी हो सकता, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, एंड डिनोमिनेटर में या तो साइन टू एक्स होगा या तो साइन कोस का प्रोडक्ट होगा या तो साइन प्लस माइनस कॉस होगा, तीनों में से कुछ भी हो सकता है, ठीक है, तीनों में से कुछ भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन क्या होगा, अगर ये दोनों हुए तो नीचे क्वाड्रेटिक बनेगी, अगर ये हुआ तो नीचे लीनियर बनेगा, बात खत्म, ठीक है। अब ध्यान से देखो क्या चीजें हैं, क्या क्या चीजें ऑब्जर्व करनी है अब इसके अंदर, ठीक है। सबसे पहले ये किसका डेरिवेटिव है, पहले तो वो चीज ऑब्जर्व करनी है। तो साइन प्लस कॉस का डेरिवेटिव देखो क्या होता है, कॉस माइनस साइन, सबसे पहला तो ये चीज, ठीक है, देन कॉस माइनस साइन का या साइन माइनस कॉस के ले लो, साइन माइनस कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है, साइन का कॉस, कॉस का माइनस साइन, तो माइनस और माइनस प्लस साइन, ये चीज पहले तो पता होनी चाहिए। अगर मैंने कॉस माइनस साइन लिया तो दोनों का नेगेटिव साइन बाहर आ जाएगा, माइनस ऑफ कॉस प्लस साइन हो जाएगा और कुछ, ठीक है। तो नेगेटिव पॉजिटिव वाले का डेरिवेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव वाले का डेरिवेटिव, बात खत्म, ये चीजें हमें पता होनी चाहिए। तो अब ध्यान से सोचो कि ये किसका डेरिवेटिव है, साइन माइनस कॉस का, तो नीचे किसी ना किसी के सारी बाकी जो भी चीज है वेरिएबल वगैरह उसको साइन माइनस कॉस की टर्म में रिप्रेजेंट करने की कोशिश करें, ताकि मैं पूरे क्वेश्चन में साइन माइनस कॉस को टी लेके जाऊं तो ऊपर डीटी बन जाए, बात समझ में आ रही है, टी डीटी वाली फॉर्म बनाने की है ना, तो मेरे को बाकी सारी चीज में साइन माइनस कॉस को टी लेके जाना है ताकि ऊपर डीटी बन जाए। वो कैसे बनाएंगे, अब देखो इन दोनों का स्क्वायर करके देखो क्या जाता है, साइन प्लस माइनस कॉस का स्क्वायर, तो क्या जाएगा, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर प्लस माइनस टू साइन कॉस, दैट इज वन प्लस माइनस साइन टू एक्स। तो या तो तुम्हें डिनोमिनेटर में, अगर ये न्यूमरेटर में है तो डिनोमिनेटर में उसके उल्टे साइन का चीज मिल जाए वो चीज, और उसका स्क्वायर मिल जाए यानी कि साइन टू एक्स मिल जाए, या फिर साइन कॉस का कॉम्बिनेशन मिल जाए, तो तब तुम उस पूरे डिनोमिनेटर को, यस, किसी भी उसका जो ऑपोजिट जिसको टी लेना है हमें, उसके स्क्वायर की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अब इस क्वेश्चन के लिए हमने क्या किया, सबसे पहले रिकॉग्नाइज किया साइन प्लस कॉस किसका डेरिवेटिव होता है, दैट इज साइन माइनस कॉस का, तो मैंने सिंपली साइन माइनस कॉस को टी ले लिया, ठीक, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर माइनस टू साइन कॉस इज डी टी, तो वन माइनस साइन टू एक्स इज डी टी इंटू डी एक्स, सॉरी ये स्क्वायरिंग की ना, तो ये टी स्क्वायर आ गया, सॉरी, ठीक है ना, अभी सिर्फ स्केयरिंग की ताकि डिनोमिनेटर वाली चीज को मैं जनरेट कर सकूं, ठीक है, स्केयरिंग करके ये आ गया वन माइनस साइन टू एक्स, दैट इज टू टी स्क्वायर, अभी तक डेरिवेटिव नहीं किया मैंने, तो यहां से साइन टू एक्स की वैल्यू क्या मिली, इसको इधर टी स्क्वायर को इधर, दैट इज वन माइनस टी स्क्वायर। अब सब कुछ सब्स्टिट्यूट करो और इसका डेरिवेटिव करो, दैट इज साइन प्लस कॉस डी एक्स इज डी टी, ठीक है, देखो साइन माइनस कॉस का डेरिवेटिव साइन प्लस कॉस, ये अभी किया हमने, कॉस प्लस साइन या साइन प्लस कॉस, साथ में dx इक्वल टू टी का डेरिवेटिव dt, इसका स्केयरिंग करके देखो ये स्टेप क्यों किया, ताकि ऊपर तो dt बन रहा है, नीचे भी तो t लाना है, साइन टू एक्स को भी तो t की फॉर्म में सब्सटीट्यूट करना है, तो साइन टू एक्स को जनरेट किया कैसे, स्केयरिंग करके साइन टू एक्स जनरेट हुआ, तो वहां से साइन टू एक्स आ गया। अब पूरा क्वेश्चन क्या जाएगा, इंटीग्रेशन ऊपर क्या चला जाएगा, dt डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में क्या आएगा, नाइन प्लस 16 इंटू साइन टू एक्स की वैल्यू 1 माइनस टी स्क्वायर, तो ये क्या बन गया, डी टी बाय 9 प्लस 16 25 5 का स्क्वायर माइनस 16 टी स्क्वायर यानी कि 4 टी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का रूल लग जाएगा, बात खत्म, समझ आया क्या किया, श्योर, ऑनलाइन प्लीज कंफर्म करो क्लियर है सबको, यस सर, राइट, ये नोट करो, ध्यान से नोट करो,
हाँ जी बताओ। देखो अगर ऐसा होता, ठीक है ना, अब पंगा ये है कि अगर सिर्फ साइन या सिर्फ कोस हो, दोनों में से कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। अब पंगा ये है कि करना तो सेम प्रोसेस है, साइन प्लस कोस को टी लेके जाना है या साइन माइनस कोस को टी लेके जाना है, जिसका डेरिवेटिव ऊपर प्रेजेंट हो। अब ऊपर तो साइन है, तो साइन तो बाबा कॉस का डेरिवेटिव होता है, और नीचे साइन कॉस का कॉम्बिनेशन आएगा। साइन टू एक्स को ओपन करूंगा तो ये 32 साइन एक्स कॉस एक्स बन जाएगा, तो एक को तो टी आ जाएगा, दूसरा क्या आएगा, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर थोड़ा लिखेंगे, राइट, वो और कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी। तो इसको करने के लिए हमने क्या किया, ट्रिक क्या है, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करना। तो इसको लिखेंगे 1/2 इंटू 2 एंड प्लस कॉस माइनस कॉस, तो क्या बन जाएगा, एक साइन को कॉस के साथ तो साइन प्लस कॉस, एंड दूसरे साइन को माइनस कॉस के साथ तो साइन माइनस कॉस, एंड 1/2 दोनों के साथ डिनोमिनेटर में 9 + 16 साइन 2x, इधर 9 + 16 साइन 2x dx dx, चलो अलग अलग कर दो, ठीक है, और ये 1/2 दोनों के साथ। तो पॉइंट क्या है यहाँ पे, मोटिव क्या हुआ कि एक सिंगल क्वेश्चन को दो क्वेश्चन में कन्वर्ट करना पड़ा हमें, राइट। अब इसके केस में साइन माइनस कोस को टी लोगे ताकि साइन प्लस कोस dx dt बन जाए, और इस केस में प्लस को टी लेंगे ताकि माइनस वाला dt बन जाए, बात समझे। तो इस केस में साइन माइनस कोस को टी लिया, एंड इस केस में साइन प्लस कोस को लेट से पी ले लो, ठीक है, स्केलिंग की, साइन स्केयर प्लस कोस स्केयर 1 - 2 साइन क्या आ जाएगा, 2 sin x cos x, दैट इज साइन, दैट इज टी स्केयर, तो 1 - टी स्केयर इज साइन 2x, इसका डेरिवेटिव साइन प्लस कोस dx इज dt, तो पूरा का पूरा क्या चला जाएगा, इंटीग्रेशन ऊपर चला गया, dt डिवाइडेड बाय 9 + 16 टाइम्स 1 - t स्क्वायर, ये तो अभी किया था हमने, है ना, और ये इसका स्केयरिंग की तो साइन स्केयर प्लस कोस स्केयर 1 + 2 sin cos, तो दैट इज साइन 2x, दैट इज इक्वल टू पी स्क्वायर, तो साइन 2x की वैल्यू पी स्क्वायर माइनस 1, इसका डेरिवेटिव किया कॉस माइनस साइन dx इज dp। अब मेरे को चाहिए साइन माइनस कॉस, तो इधर से नेगेटिव साइन उधर लेके जाना पड़ेगा, तो साइन माइनस कॉस dx इज माइनस dp, हाँ जाना, राइट। तो पुट करने के बाद, सब्स्टिट्यूट करने के बाद क्या चीज चली जाएगी, ये वाला पार्ट, इंटीग्रेशन ऊपर चला जाएगा माइनस dp, और नीचे क्या आ जाएगा 9 + 16 टाइम साइन 2x की वैल्यू पी स्क्वायर माइनस 1, तो माइनस बाहर इंटीग्रेशन dt डिवाइडेड बाय 4p का स्क्वायर, यहां पे आया 9 - 16, दैट इज -7, तो उसको लिखेंगे -√7 का स्क्वायर, तो अगेन x² - a² का रूल लग जाएगा, तो दोनों के दोनों पार्ट अलग अलग हो जाएंगे। तो समझे कैसे, सिंगल वाला अगर आ गया सिर्फ साइन या कॉस तो भी कैसे करना है, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करके ऑपोजिट वाला प्लस माइनस करके दो क्वेश्चन में कन्वर्ट करना है, और अगर दोनों में से कोई भी, अब दोनों में से कोई भी एक दे रखा वो ऑलरेडी मैंने बता दिया। हाँ जी ऑनलाइन प्लीज कंफर्म करो, क्लियर हुआ, यस सर, राइट, नोट करो करो करो, ध्यान से सुनना। ओवरऑल जो टाइप्स हमने की हैं, ठीक है, अभी तक मैं उन चीजों के बारे में दोबारा बता रहा हूँ, ठीक है, उसके बाद फिर उनकी इन जनरल अभी पहले प्रैक्टिस करनी है, फिर अगली वाली टाइप के ऊपर जाएंगे, ठीक है ना, क्योंकि इसके अंदर थोड़ी प्रॉब्लम आती है अगर प्रैक्टिस ना की हो रिकग्नाइज करने में, और वो प्रॉब्लम वैसे भी होमवर्क के अंदर तुम्हें आई है। देखो सबसे पहले हमने वो 6 फॉर्मूलाज किए, ठीक है ना, क्या क्या, 1/a² - x² 1/a² + x² 1/x² - a² एंड इन तीनों का स्क्वायर रूट, ठीक है ना, ये वाला ये वाला ये वाला, ठीक है, विद स्क्वायर रूट विदाउट स्क्वायर रूट, 6 टोटल फॉर्मूलाज किया, ठीक है। उसके बाद हमने ये देखा कि अगर 1/क्वाड्रेटिक है या फिर 1/√ of quadratic है, तो इसको हम वो 3 फॉर्मूलाज में कन्वर्ट कर सकते हैं, इसको हम 3 फॉर्मूलाज में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो इंटीग्रेशन कैसे करना वो चीज हो गई, ठीक है, सबसे पहला काम हमने ये किया। दूसरा, अगर हमारे पास यहाँ पे लीनियर बाय क्वाड्रेटिक आ जाए या लीनियर बाय स्क्वायर रूट ऑफ क्वाड्रेटिक आ जाए, तो क्या करना है, हमें ऊपर वाले लीनियर को
लैम्डा टाइम्स नीचे का डेरिवेटिव प्लस सम्यू करना है। सिमिलरली इधर लीनियर को क्या करना है, लैम्डा टाइम्स अंडर रूट वाले, अंडर रूट के अंदर जो क्वाड्रेटिक है उसका डेरिवेटिव, अंडर रूट के साथ नहीं, प्लस लीनियर सॉरी कॉन्स्टेंट करना म्यू, राइट, ये दोनों। अच्छा उसके बाद फिर दोनों के अंदर सब्स्टिट्यूशन, मतलब कुछ ना कुछ सब्स्टिट्यूशन करने के बाद जो हमारा क्वेश्चन है या तो इसमें कन्वर्ट हो जाएगा या तो इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, वो काम करना। बात समझ में आ रही है? हाँ ठीक है, क्लियर हुआ? अंदर अंडर वाले अंदर वाली चीज को टीच कर, नहीं 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 मैं क्वेश्चन कराता हूँ, इसका क्वेश्चन कराता हूँ, ठीक है। अभी इन जनरल इनके क्वेश्चन आ रहे हैं इन जनरल, ठीक है, वो पहले प्रैक्टिस करना फिर अगला वाला टाइप देखेंगे, ठीक है। अच्छा इसका मैं एक क्वेश्चन करवा ही देता हूँ, ठीक है, क्लियर हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। ठीक है, मान लो ये क्वेश्चन लीनियर बाय अंडर रूट ऑफ क्वाड्रेटिक, ठीक है ना, टाइप क्या है, लीनियर बाय रूट क्वाड्रेटिक। तो अगेन क्या करना है, ऊपर वाला जो लीनियर है 4x plus 1, उसको लिखना है लैम्डा टाइम, अंदर वाले का डेरिवेटिव दैट इज 2x plus 3 plus म्यू। तो कंपैरिजन करके 2 लैम्डा जो है वो 4 जाएगा, तो लैम्डा क्या आ गया 2, एक तो ये चीज आ गई, इधर का कॉन्स्टेंट 1, इधर का कॉन्स्टेंट क्या जा रहा है 3 लैम्डा प्लस म्यू, तो लैम्डा को 2 पुट किया, 6 इधर आके माइनस 6, तो 1 माइनस 6 माइनस 5, तो म्यू की वैल्यू आ गई माइनस 5, तो ये क्या बन गया, ठीक है, दैट इज 2 टाइम्स 2x प्लस 3 माइनस 5। तो ऊपर हमने क्या किया, पूरे क्वेश्चन को लिख दिया इंटीग्रेशन ट्वाइस ऑफ 2x प्लस 3 माइनस 5 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 dx, नीचे x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 स्केयर रूट, ये क्लियर है, ठीक है। दोनों क्वेश्चन को अलग अलग कर दो, इंटीग्रेशन dx ये 2 बार, ठीक है। अब देखो इसके अंदर तो नीचे क्वाड्रेटिक का स्केयर कंप्लीट करना ना, तो वो फॉर्मूला डायरेक्ट लग जाएगा। इसके अंदर क्या करना है, इस पूरी चीज को t लेके जाओ, ये dt है, तो क्वेश्चन क्या बन जाएगा तुम्हारा, dt बाय रूट t, ये क्वेश्चन बन जाएगा। तो उसको t स्केयर वगैरह कुछ नहीं लेके जाने की जरूरत, तू यहीं पे t स्केयर बोल रहा था ना, इसको t स्केयर ना 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 ऐसे ले लो, उसके x की बार n का रूल लग जाएगा, बात करो, समझ में आया ये क्या करना है कैसे करना है। ऑनलाइन प्लीज कंफर्म करो क्लियर हुआ, यस सर, राइट, ये नोट कर लो, फिर मैं क्वेश्चंस दे रहा हूं करने के लिए, करो करो नोट करो।
सर हाँ जी सर, इस क्वेश्चन में जो सेकंड वाली टर्म आई है उसको हम कंप्लीटिंग दिस स्क्वायर से करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, वो स्टैंडर्ड मेथड अपना करो। ये 7 क्वेश्चंस जल्दी। हाँ अब आओ, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन के अंदर tan x को t secant square x dx dt, तो पूरा क्वेश्चन क्या चला गया, इंटीग्रेशन dt by 16 प्लस t स्क्वायर। आई होप हो जाएगा। डायरेक्ट फॉर्मूला a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर अंडर रूट, है ना, ln ऑफ x प्लस अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, ठीक है, प्लस c। सेकंड, e की पावर x को t, e की पावर x dx is dt, तो पूरा क्वेश्चन इंटीग्रेशन dt by स्क्वायर रूट ऑफ 5 माइनस 4t माइनस t स्क्वायर। हाँ है ना, ठीक है ना, 5 माइनस 4t माइनस t स्क्वायर। स्केयरिंग कंप्लीट करनी है अभी, राइट right? तो उसके लिए माइनस 4 प्लस 4, तो ये बन गया dt by स्क्वायर रूट ऑफ 9 यानी कि 3 का स्क्वायर माइनस, तीनों में से माइनस n कॉमन लिया तो क्या बनेगा, t स्क्वायर प्लस 4t प्लस 4, दैट इज t प्लस 2 का होल स्क्वायर, तो दैट इज माइनस n कॉमन लेके t प्लस 2 का होल स्क्वायर इंटीग्रेशन, ठीक है। तो a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर अंडर द रूट, तो दैट इज साइन इनवर्स, तो इसका आंसर क्या जाएगा, साइन इनवर्स t प्लस 2 दैट इज x बाय a यानी कि 3 प्लस c, और t को वापस e की पावर x पुट कर दो, तो साइन इनवर्स e की पावर x प्लस 2 बाय 3 प्लस c, ये आंसर। क्लियर हुआ, श्योर? थर्ड के अंदर ट्रिकी नहीं था, बस ये चीज समझनी थी कि इसको स्क्वायर की फॉर्म में लाना है, तो इसको लिखा cos स्क्वायर का स्क्वायर, तो इसको t लेके जाओ, तो cos स्क्वायर 2x को 2x को t लिया, इसका डेरिवेटिव 2 आ गए, सबसे पहले cos 2x इंटू cos का डेरिवेटिव माइनस साइन, तो माइनस साइन 2x इंटू 2x का डेरिवेटिव 2, साथ में dx इज, तो ये 2 एंड 2 4 एंड ये नेगेटिव इधर ले गए, ये तो ये बन गया तुम्हारा न्यूमरेटर, ठीक है, साइन 2x cos 2x dx, तो न्यूमरेटर में क्या आ गया, इंटीग्रेशन माइनस 1 बाय 4 बाहर dt, ठीक है ना, इसकी जगह क्या आ गया, माइनस dt बाय 4, माइनस 1 बाय 4 बाहर, ऊपर dt नीचे 9 माइनस t स्क्वायर अंडर द रूट, ठीक है, तो ये 9 की जगह 3 स्क्वायर, ठीक है, a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर साइन इनवर्स हो जाएगा। अभी पहले तीनों किसी को नोट करना कर लो जल्दी, पहले तीनों अब इन क्वेश्चन से आगे वाले क्वेश्चन से ध्यान से देखना, ठीक है। हाँ बीच बीच में हो जाता है, वो थोड़ा थोड़ा पता चल रहा है क्या क्यों होता है, थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे एक्सपीरियंस हो रहा है ना इन चीजों का, ठीक है ना। देखो यहाँ पे ऊपर नीचे स्केयर रूट अलग कर दिया, तो ऊपर आ गया स्केयर रूट यानी कि एक्स बार 1 बाय 2 बेसिकली, नीचे ए क्यूब को लिखा ए की पावर 3 बाय 2 का स्केयर माइनस एक्स की पावर 3 बाय 2 का स्केयर डीएक्स इंटीग्रेशन, ये समझे, प्लीज पहले छोड़ दो, लिखो नहीं, ठीक है, ये समझे। इससे क्या हुआ, अगर मैं इसको टी लेके जाऊंगा तो ऊपर क्या है dt, क्योंकि x पर 3 by 2 का डेरिवेटिव क्यों, अगर पावर 3 by 2 माइनस 1 पावर 1 by 2 और वो 1 by 2 हुआ है, तो अब मैंने x की पावर 3 by 2 को t लिया, इसको कुछ नहीं लेना, ये तो कांस्टेंट है, ये a एक्ट करेगा, a स्क्वायर काइंड ऑफ, ठीक है ना, a की पावर 3 by 2 जो है ये a एक्ट करेगा, ठीक है, कांस्टेंट ही तो उसका नाम चेंज कर सकते हैं। अब x की पावर 3 by 2 को t लिया तो क्या आ गया, 3 by 2 x की पावर 3 by 2 माइनस 1 दैट इज 1 by 2 dx दैट इज dt, तो x की पावर 1 बाय 2 dx क्या चला गया, 2 बाय 3 dt। हाँ जी प्लीज कंफर्म करो, क्लियर है, यस सर, राइट, ये चला गया इंटीग्रेशन x की पावर 1 बाय 2 dx इज 2 बाय 3 बाहर, ऊपर dt, नीचे a की पावर 3 बाय 2 का स्क्वायर माइनस t स्क्वायर अंडर द रूट, हाँ है ना, तो ये साइन इनवर्स a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, ठीक है, तो 2 बाय 3 साइन इनवर्स x यानी कि t बाय a की पावर
थ्री बाय टू प्लस ई, और टी को जो हमने लिया था एक्स बार वन थ्री बाय टू को सब्सटीट्यूट कर दो तो टू बाय थ्री साइन इनवर्स एक्स बाय एट की टोटल की पावर थ्री बाय टू प्लस सी। हाँ जी क्लियर हुआ? यस सर। ठीक है ना, ये छोटी सी ट्रिक थी इसके अंदर कि पावर अलग अलग करके एक्स की पावर थ्री बाय टू को, मतलब अपने को देखो फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का पता है, नीचे माइनस आ रहा है तो इसको ए स्क्वायर में कन्वर्ट करना है, इसको एक्स स्क्वायर में, किसका स्क्वायर एक्स की पावर थ्री बाय टू का स्क्वायर, फिर एक्स की पावर थ्री बाय टू को टी लेके जाना है ताकि वो टी स्क्वायर बन जाए। ये ट्रिक थी इसके अंदर सोचने वाली बात, समझे? श्योर? नोट करो, अगला करवाना है जल्दी 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 जल्दी, हिंट नोट करना, हिंट देखो, इसको कॉस में कन्वर्ट किया तो क्या क्या वन बाय कॉस माइनस वन स्क्वायर रूट डीएक्स, ठीक है, एलसीएम ले लिया। अब अंडर रूट के अंदर ही मैंने वन प्लस कॉस बाय वन प्लस कॉस से मल्टीप्लाई डिवाइड किया था कि ये जो ऊपर है ये बन जाए साइन स्क्वायर, वन माइनस कोस इंटू वन प्लस कोस, वन स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर, यानी कि वन माइनस कोस स्क्वायर वो बन गया साइन स्क्वायर अंडर रूट के बाहर आके साइन, तो ये बन गया साइन एक्स डीएक्स, और नीचे क्या बना स्क्वायर रूट के अंदर कोस स्क्वायर प्लस कोस। अब कुछ नहीं करना, कोस एक्स को टी लो, ऊपर डी टी है, ठीक है ना, कोस एक्स को टी तो साइन एक्स डीएक्स इज माइनस डी टी, माइनस आएगा ना माइनस उधर चला जाएगा तो ऊपर क्या चला गया ये माइनस डी टी, नीचे अंडर रूट ऑफ टी स्क्वायर प्लस टी, है ना। अब स्क्वायर कंप्लीट करना है, प्लस वन बाय फोर माइनस वन बाय फोर, ठीक है, प्लस वन बाय फोर माइनस वन बाय फोर, तो ये बन गया इंटीग्रेशन माइनस डी टी बाय टी प्लस वन बाय टू का स्क्वायर माइनस वन बाय टू का स्क्वायर अंडर द रूट, हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है। ये छोटी सी ट्रिक थी, अगला क्वेश्चन भी देख लो, ये बहुत ही ज्यादा चिंतित क्वेश्चन है, देखने में थोड़ा डिफिकल्ट लगता है क्योंकि इसका बाहर डेरिवेटिव प्रेजेंट नहीं है e की बार x का, तो हमने क्या किया e की बार x 2 e की बार 2x कॉमन ले लिया तो बन गया e की बार x को x नहीं लेके जा सकते, बेसिक रूल है, जितने भी हमारे रूल है वो x के ऊपर है, x की जगह अगर कुछ और आ जाए तो नहीं कर सकते, फिर सब्स्टिट्यूशन से ही करना है, ठीक है ना। अच्छा ये सोचो कि अगर मेरा 1 बाय ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की जगह e की पावर x का होल स्क्वायर आ जाए तो आई कैन नॉट इंप्लीमेंट द टैन इनवर्स रूल, ना मैं नहीं लगा सकता पहले। अब देखो e की पावर x अगर ऊपर है, अब e की पावर x को t लेके जाऊंगा, ऊपर dt बनेगा नीचे t स्क्वायर बनेगा, अब जाके वो रूल लगा सकता हूं, मतलब वहां पे x की जगह x ही होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है लीनियर ऑफ x, वो लीनियर के कोफिशिएंट से डिवाइड हो जाएगा, इसके अलावा और कोई रूल नहीं है, उसके अलावा और कुछ नहीं हो सकता उधर, ठीक है ना। तो नहीं यहां पे नहीं, इसके अंदर क्या करो e की पावर 2x को कॉमन लो, तो e की पावर 2x कॉमन लेके बना, वन की जगह क्या आएगा वन बाय e की पावर 2x माइनस वन, ये आ गया स्क्वायर रूट है तो क्या बन गया ये e की पावर एक्स बाहर, यहां पे बन गया स्क्वायर रूट ऑफ ई की पावर माइनस टू एक्स, या माइनस टू एक्स को लिखेंगे माइनस एक्स का होल स्क्वायर माइनस वन स्क्वायर, ये वन बाय था डी एक्स इंटीग्रेशन, हाँ है ना। अब ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा ई की पावर माइनस एक्स, अब ई की पावर माइनस एक्स को टी लो, ई की पावर माइनस एक्स डी एक्स क्या हो जाएगा डी टी, तो डी टी बाय अंडर रूट ऑफ टी स्क्वायर माइनस वन, ठीक है ना, अब जाके होगा। तो याद रखो ये ट्रिक e की पावर x वाले क्वेश्चंस के अंदर ट्रिक, अगर dx के साथ e की पावर x नहीं है इस तरीके से जनरेट करते हैं, वन बाय लीनियर के अंदर, वन बाय क्वाड्रेटिक के अंदर भी, ठीक है, वन बाय अंडर रूट ऑफ क्वाड्रेटिक के अंदर भी, ठीक है ना, ये इसकी ट्रिक्स होती है। जल्दी नोट करो, देखो इस क्वेश्चन को कराने से पहले, ठीक है, एक पर्टिकुलर टाइप है इन्हीं के रिलेटेड, पहले वो कवर अप कर लेते हैं फिर ये, मतलब कोई लेना देना नहीं है बट पहले वो टाइप कवर अप करनी है ताकि हमारा ये वाला जो पर्टिकुलर पार्ट है वन बाय क्वाड्रेटिक लीनियर बाय क्वाड्रेटिक वगैरह ये सारा का सारा एक बार खत्म हो जाए, ठीक है, ध्यान से देखना जरा।
वही है जो प्रणव तूने पूछा था, ठीक है, दैट इज इन जनरल अगर कोई पॉलिनोमियल आ गया एक्स का डिवाइडेड बाय क्वाड्रेटिक तो कैसे करना है, ठीक है ना। जैसे एग्जांपल देखो जरा, एग्जांपल इज एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस वन डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस वन डीएक्स इंटीग्रेशन। तो इन क्वेश्चंस के अंदर सबसे पहला काम क्या होता है, लॉन्ग डिवीजन, ठीक है, इनके अंदर कुछ नहीं करना, लॉन्ग डिवीजन करना है, इसको लॉन्ग डिवीजन करके कोशेंट ऑफ एक्स जो कि एक पॉलिनोमियल होगा प्लस लीनियर सॉरी अपना रिमाइंडर बाय ये वाला क्वाड्रेटिक, और रिमाइंडर जो होगा वो लकली क्या होगा, क्वाड्रेटिक से डिवाइड करके रिमाइंडर क्या जाता है, लीनियर। तो लीनियर बाय क्वाड्रेटिक में ये कन्वर्ट हो जाएगा, इसकी हर एक टर्म की इंडिविजुअल इंटीग्रेशन हो जाएगी, ये लीनियर बाय क्वाड्रेटिक का रूल लगेगा, बात खत्म, ठीक है ना। बहुत सिंपल सी चीज है, जैसे इसमें अब पहले लॉन्ग डिवीजन करनी है, ठीक है, तो एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस वन डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस वन, तो क्या आया एक्स यानी कि एक्स क्यूब माइनस एक्स, ठीक है, एक्स क्यूब माइनस एक्स डिवाइडेड ये घटा तो क्या आ गया टू एक्स प्लस वन, यहीं पे खत्म हो गया, क्यों, क्योंकि ये लीनियर आ गया, ठीक है। तो दिस कैन बी रिटन एज कोशेंट दैट इज एक्स प्लस रिमाइंडर दैट इज टू एक्स प्लस वन डिवाइडेड बाय डिवाइजर दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस वन डीएक्स इंटीग्रेशन। अब देखो ये देख रहे हो पॉलिनोमियल आ जाएगा, है ना, कोशेंट, कोशेंट जो होगा ऑब्वियसली पॉलिनोमियल होगा, जितनी भी टर्म्स होगी हर एक टर्म का इंटीग्रेशन हो जाएगा, तो इसका आ गया एक्स स्क्वायर बाय टू इंटीग्रेशन में, ठीक है, प्लस इंटीग्रेशन 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर माइनस 1 dx, इसका इंटीग्रेशन बचा। अब नीचे का डेरिवेटिव क्या होता है, मतलब क्या लिखना है अपने को, 2x प्लस 1 इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर दैट इज 2x प्लस म्यू, तो 2 लैम्डा शुड बी 2, तो लैम्डा क्या आ गया 1, म्यू शुड बी 1। अगर ये ऐसे ऐसे तो देखो हर बार काम करेगा, हर बार कोई भी एक्सेप्शनल रूल नहीं है इसका, लेकिन अगर देख के रिकॉग्नाइज कर सकते हो तो ज्यादा अच्छी बात है। क्या कि x square minus 1 का डेरिवेटिव क्या है 2x, तो 2x ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो 2x और 1 को अलग अलग कर दो, वही तो हो रहा है, इधर इधर 1 पुट करोगे तो क्या आ जाएगा 2x प्लस 1, तो 2x प्लस 1 को तुमने लैम्डा और म्यू पुट करके 2x प्लस 1 ही लिखा है, मतलब 2x को अलग करना और 1 को अलग करना, यहां पे ये चीज थी, ठीक है, यहां पर इस चीज के थ्रू जब मैंने लैम्डा म्यू निकाला वो 1-1 आ गया, तो लैम्डा के वापस 1-1 आने पे कंफ्यूज नहीं होना कि लैम्डा को 1-1 पुट करेंगे ये तो वापस 2x plus 1 बन गया, एक्चुअली में इसका मतलब क्या है कि ये चीज अलग है ये चीज अलग है, मतलब 2x अलग है 1 अलग है, मतलब 2x और 1 को ही अलग अलग करना था, इसका मतलब सिंपली ये जा रहा है, बात समझ में आ रही है, कंफ्यूजन तो नहीं हो रही यहां पे, ठीक है, तो दोनों को अलग अलग कर दिया तो क्या आ गया x स्क्वायर बाय 2 प्लस 2x बाय x स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1 by x square minus 1 dx integration. So that is x square by 2. अब नीचे t है तो ऊपर dt. तो dt by t, स्कूल में तुम्हें लिखना है प्रॉपर, नीचे t ऊपर dt, अलग से इंटीग्रेशन करके. अब यहां पे ओरली अगर करेंगे तो dt by t is ln. तो क्या आ जाएगा ln of mod x square minus 1 plus यहां पे x square minus a square. तो 1 by 2 है यानी कि 1 by 2 into 1 ln of mod x minus a यानी कि x minus 1 by x plus 1 plus. तो ये पूरा का पूरा हमारा फाइनल इंटीग्रेशन जाएगा, बात समझे क्या करना है, बहुत सिंपल सी चीज है, हमेशा ये क्वाड्रेटिक मतलब सम पॉलिनोमियल प्लस लीनियर बाय क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट होगा, ठीक है, लीनियर बाय क्वाड्रेटिक का रूल हमें मालूम है, लीनियर को न्यूमरेटर को क्या लिखना है लैम्डा टाइम्स डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव क्वाड्रेटिक का प्लस सम अनदर कांस्टेंट, उनको फाइंड करके अलग अलग करके इंटीग्रेशन करना, बात समझे, ये नोट करो, ये नोट करो, ठीक है ना। अच्छा ये रूल कब इंप्लीमेंट होगा, जब ऊपर डिग्री लीनियर से ज्यादा है, मतलब क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक है तब भी, ठीक है ना, लीनियर से ज्यादा होना चाहिए, तो लीनियर से ज्यादा हर केस में, अच्छा पॉलिनोमियल बाय रूट क्वाड्रेटिक में ये नहीं चलेगा, याद रखना उसका कोई रूल नहीं है, ठीक है ना, ये सिर्फ नीचे क्वाड्रेटिक हो तो चले, ठीक है, चले, चलो एक काम करते हैं टाइम तो वो कल डिस्कस करते हैं, ठीक है, होमवर्क में ग्रुप में सेंड करता हूँ, डन, थैंक यू, थैंक यू।